कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को भगवान राम अयोध्या में जय भी नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान अयोध्या में है पहले से, सपने में आए हैं, उनके कहे हैं कि हम तो वहाँ हमारे सपने में आया है कि हम अयोध्या में आ रहे हैं 22 तारीख को, 22 तारीख को हमारे सपने में आया है कि 9 बजे हम अयोध्या में आ रहे हैं, हमारे सपने में। कुछ लोग कह रहा है कि वो कहे कि ये सब ढोंग कर रहा है, नौटंकी कर, हम तो जय भी नहीं करेंगे, हम जाएंगे हमारे सपने में, हम जाएंगे वहाँ पे, वो नहीं जाएंगे हम जाएंगे। हमारे कोई गाना सुना सकता है क्या राम जी के आने की खुशी में? भाई कोई है लड़का जो गाना सुना दे? गा दो यार, कोई नहीं बोल रहा, तुम इतना ज्ञान है। उस समय को पता चला है कि 15-26 से लड़ाई चलती आ रही है, मतलब सदियों की लड़ाई जाके मतलब मोदी सरकार के अंदर बीजेपी के मतलब की शासन में आके यहाँ पे लड़ाई खत्म हो रही है। बहुत खुशी की बात है, इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया चली है, जैसे बाबरी मस्जिद भी है इस बीच में, कृष्ण जन्मभूमि, बहुत मतलब लंबी प्रक्रिया है। राम जी और कृष्ण जी अलग है? नहीं, राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग है, ऐसे लोग मान रहे हैं, भगवान तो सब एक होते हैं, लेकिन राम जी कुछ अलग हैं। राम जी मर्यादा में रहना सिखाते हैं ना, और कृष्ण भगवान मर्यादा में कैसे रखते हैं ये सिखाते हैं, इसलिए दोनों में अंतर हो जाता है। राम मर्यादा में कैसे रहना है राम जी सिखाते हैं, और मर्यादा में कैसे रखते हैं कृष्ण भगवान सिखाते हैं, इसलिए दोनों का अंतर है। मतलब की बात तो सिर्फ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल 22 जनवरी है, और 22 जनवरी को देश में ऐतिहासिक दिन होने वाला है, और कल राम जी का प्राण प्रतिष्ठान है। हमारे साथ कुछ युवा छात्र हैं, लेकिन राम जी के बारे में ये लोग कुछ बोलना चाहते हैं। आज हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। कल राम जी का प्राण प्रतिष्ठान है, लंबे वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा मौका मिला है, क्या बोलिएगा? हाँ, हम बोलना चाहेंगे 15-26 यानी हमारा मतलब कि जितना ज्ञान है उससे हमको पता चला है कि 15-26 से लड़ाई चलती आ रही है, मतलब सदियों की लड़ाई जाके मतलब मोदी सरकार के अंदर बीजेपी के मतलब कि शासन में आके यहाँ पे लड़ाई खत्म हो रही है। बहुत खुशी की बात है, इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया चली है, जैसे बाबरी मस्जिद भी है इस बीच में, कृष्ण जन्मभूमि, बहुत मतलब लंबी प्रक्रिया है स्नातनियों के लिए, ये बहुत बड़ी जीत है हम लोग के लिए। हाँ, अच्छा, पहले से हरी झंडी नहीं था? हरी झंडी था, लेकिन इस मामले में नहीं था ना कि 15 मतलब इतना दिन से चल रहा है जो ये क्या लड़ाई, मतलब 1500 बाबर, हाँ 500 सालों से चल रही लड़ाई को अभी खत्म हो गया है, थोड़ा एक मतलब ये बताइए लोग कि कल राम जी का प्राण प्रतिष्ठान है, इसको जानकर आप लोगों को कैसा अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है ये जान के, सबसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। घर पे हम लोग तो कल दिवाली मनाएंगे मोदी जी के कहने के अवसर पे। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम जी को क्यों पूजा जाता है, कृष्ण जी को पूजा जाए, तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या राम जी और कृष्ण जी अलग है? नहीं, राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग है, ऐसे लोग मान रहे हैं, भगवान तो सब एक होते हैं, लेकिन राम जी कुछ अलग हैं। राम जी मर्यादा में रहना सिखाते हैं ना, और कृष्ण भगवान मर्यादा में कैसे रखते हैं ये सिखाते हैं, इसलिए दोनों में अंतर हो जाता है। राम मर्यादा में कैसे रहना है राम जी सिखाते हैं, और मर्यादा में कैसे रखते हैं कृष्ण भगवान सिखाते हैं, इसलिए दोनों का अंतर है। मतलब की बात तो सिर्फ वो लोग कैसे फिर लोग हैं जो कहते हैं हम कृष्ण को पूजते हैं राम को नहीं पूजते हैं, ये अपने हम लोग हिंदू में भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम कृष्ण को पूजते हैं राम को नहीं पूजते हैं। हाँ, तो बात कुछ ऐसा है कि जैसे हम लोग हिंदू, जितना हिंदू है मतलब अधिकतर मुस्लिम भी अब लोग आजकल मतलब सनातन धर्म को स्वीकार कर रहा है, जैसे कि राम को सभी को पूजना चाहिए, और राम तो सभी चीज में नहीं। राम जी कल आ रहे हैं, हम चाहेंगे कोई गाना सुना सकता है क्या राम जी के आने की खुशी में? भाई कोई है लड़का जो गाना सुना दे? गा दो यार, कोई नहीं बोल रहा, तुम गा दो भाई, भाई चलो हम भाई ना, तो डीजे वाला गाना गाइयो भाई, इसको मत पकड़िए। अच्छा, तो ऐसे ही है। हाँ, तो क्या हम लोग दिवाली के मतलब कि अब माना जा रहा है कि महादिवाली के रूप में 22 जनवरी को मनाया जाएगा। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वाह वाह, अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को भगवान राम अयोध्या में जय भी नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान अयोध्या में है पहले से, सपने में आए हैं, उनके कहे हैं कि हम तो वहाँ हमारे सपने में आया है कि हम अयोध्या में आ रहे हैं 22 तारीख को, 22 तारीख को हमारे सपने में आया है कि 9 बजे हम अयोध्या में आ रहे हैं, हमारे सपने में। कुछ लोग कह रहा है कि वो कहे कि ये सब ढोंग कर रहा है, नौटंकी कर, हम तो जय भी नहीं करेंगे, हम जाएंगे हमारे सपने में, हम जाएंगे वहाँ पे, वो नहीं जाएंगे हम जाएंगे, हमारे सपने में आए हैं। हाँ, अच्छा, क्या अब अच्छा आप लोग अब तो खैर धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं लोग, ये एक ऐतिहासिक पल है। यस, कल का दिन पूरे भारत के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि 22 जनवरी को रामलला कहीं ना कहीं अयोध्या पहुंचे और उनका प्राण प्रतिष्ठान हुआ। लंबे समय से युग युग से लोग कहीं ना कहीं इस चीज का इंतजार कर रहे थे, और ये सुनहरा अवसर कल का है, कैसा अनुभव आप लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आज मतलब राम आ रहे हैं 22 जनवरी को,
अयोध्या में। पहले राम नहीं आए थे? आए थे तो अब खुशी से, बड़ खुशी से, क्या बात है। कल क्या कीजिएगा? कल दीपावली मनाएंगे लोग बहुत धूमधाम से। क्या 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 कल क्या कीजिएगा? दीपावली मनाएंगे, नहीं फूटेगा? फूटेगा ना, सब फूटेगा, दिया जलेगा, पटाखा फूटेगा। जो लोग कहता है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये भी लोग कह रहे हैं अस्पताल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, आप लोग युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों को क्या बोलिए? हाँ देखिए, राम मंदिर बनने से देश विदेश के लोग आएंगे, ऐसा आप लोग देखने को मिलता है। जैसे कि बुर्ज खलीफा देखने जाता है, बुर्ज खलीफा देखने से केवल मैंने जो बुर्ज खलीफा बनाया उसका नाम नहीं होता है, बल्कि देश के आर्थिक विकास में उसका सहयोग होता है। ऐसे मंदिर बनेगा तो लंदन से, अमेरिका से बहुत दूर, मतलब कि अलग अलग जगह से लोग आएंगे देखने। इससे हमारे देश मतलब कि आर्थिक विकास में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इससे इस पैसा से अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि महावीर मंदिर, महावीर यहाँ जो हनुमान मंदिर है पटना में, उससे हमारा महावीर आरोग्य संस्थान चलता है, आरोग्य जो है ना कैंसर संस्था सब चलता है। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पैसा वहाँ पे खर्च किया जा रहा है, चाहे जो लोग पैसा दान कर रहे हैं, गरीबों में बांटना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, गरीब ही दे रहे हैं पैसा, गरीब में बांटना क्या चाहिए, गरीब खुश होकर दे रहे हैं ना, उनका भावना है तो दे रहे हैं, मतलब हमारा तो मानना है कि देना चाहिए। काफी अच्छा लगा इतने लोगों के बीच में ये नन्हा सा बालक जो है, क्या नाम है बाबू? आलोक कुमार सिंह, मटियारी से। कहाँ से रहने वाले? मटियारी से। कौन सा जिला? गोपालगंज। अरे वाह, गोपालगंज जिला के ये लाल हैं और आज खूब जम के बोले हैं, विरोधियों को बता दिए हैं कि राम जी का भक्त भी हैं और इन्होंने बता दिया है कि राम मंदिर बनना चाहिए, न कि अस्पताल और बाकी चीजें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल बढ़ेगा, बढ़ावा मिलेगा और देश विदेश के तमाम लोग जाएंगे उन्हें। सर माई स्कूल के छात्र हैं 10वीं क्लास के, अभी हमारा बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होने वाला है भाई, वही बोर्ड का एग्जाम की तैयारी, मतलब कि रूम खोजने के लिए हम आए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।